कुर्सी में बैठने का एक मौका भी भाइयों नहीं देना चाहिए। जो परिवार अपनी माँ और बहन की इज्जत नहीं कर सकता, जो लोग अपनी बहू बेटियों की आबरू को बचा नहीं सकते, क्या भाइयों ऐसे लोगों को उस कुर्सी में बैठने का कोई हक है? मुख्यमंत्री कहता है, वो जब रैली में जाता है, जब मीटिंग में जाता है तो कहता है कि मैंने चौमुखी विकास किया। आज बिजली नहीं है, क्या इसको चौमुखी विकास कहते हैं? आज पानी नहीं है, ये चौमुखी विकास? आज रास्ता नहीं है, रोजगार नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, ये चौमुखी विकास? ये चौमुखी विकास किया है उसने भाइयों, चौमुखी विकास किया है अपने बेटे का होटल बना के, चौमुखी विकास किया है अपनी बेटी का फ्लैट खरीद के मुंबई में, चौमुखी विकास किया है बंबई के सेठों के पास अपना पैसा रखवा के, और चौमुखी विकास किया है अपने रिश्तेदारों का जिनको इन्होंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर नौकरी देने का काम किया। चौमुखी विकास करा है अपने परिवार जन का जिनके लिए इन्होंने खान आवंटित कर दिए। और आपके लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया है और ना कुछ करेंगे। 62 साल निकल के भाइयों, कल अभी राहुल गांधी आए थे, उन्होंने चित्तौड़गढ़ में ये कहा कि हम तो कल के बारे में सोचते हैं और ये विपक्ष ये तो आज के बारे में सोचती है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आपका कल कब आएगा? 62 साल तो निकल गए, तुम्हारा कल आज तक नहीं आया है। और मैं तो ये मान रही हूँ कि हमें कल नहीं चाहिए, हमें चाहिए आज, और जो आज है वो चाहिए हमें अब, अभी चाहिए। हमें अभी समय नहीं है आपके लिए समय निकालने का। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या मिला उनको? ना तो उनकी पढ़ाई मिलती है, स्कूलों के ऊपर ताले लग गए हैं। कॉलेज की बात करते हैं तो एक मुश्त उन्होंने 34 कॉलेज खोल दिए। कॉलेज कैसे खोला जाता है भाइयों? कॉलेज के लिए जमीन होनी चाहिए, कॉलेज के लिए बिल्डिंग होनी चाहिए, कॉलेज के लिए बच्चे होने चाहिए, कॉलेज के लिए टीचर होने चाहिए। ना बच्चे, ना टीचर, ना बिल्डिंग, ना जमीन। धर्मशाला में 4 कमरे, प्राइमरी स्कूल में 2 कमरे, हायर सेकेंडरी में 4 कमरे, ऐसे कॉलेज खोले जाते हैं। किसको किसको लुभाने के लिए कर रहे हैं? इन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को झांसा देने में कभी नहीं छोड़ी ना भाइयों, अब इनको भी झांसा दे दे के उस कमर के स्कूल पर जब बटन दिखाएंगे तब इनको मालूम पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आनी चाहिए पुजार भाइयों, इन्होंने ये कह दिया 4.5 साल तो जैसे इन्होंने बताया ना आराम से सोए, अभी 4 महीने मिल गए तो 4 महीने में और हमारी यात्रा शुरू हुई तो भागा दौड़ी करके, अरे पेंशन ले लो, साइकिल वो भी ले लो, बर्तन वो भी ले लो, आपको क्या चाहिए वो बताओ, कुर्ता पजामा क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए वो लेके जाओ, बस हमें वोट दे दो। मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तुम्हारे पास इतने पैसे थे बांटने को तो ये 4.5 साल में क्यों नहीं किए? हम लोगों को गड्ढे में डाल के क्यों रखा? 4.5 साल में अभी सब काम कर लिया होता तो आज हम यहाँ ऐसे बैठे होते क्या? इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने सब लोगों को ये कह देना है और आज सबको कह के जा रही हूँ कि जिन लोगों ने अपने खेत के ऊपर वो घायल हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए उसको और उसके परिवार को दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे किसान एक दफा मजबूत हो जाए। मैं माता बहने आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी ये यूपीए की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो महंगाई अपने साथ लेके आती है। ये किसानों की महंगाई देख लो, ना इनको बिजली और पानी सही समय पे मिलता है, इनके बीज और खाद दुगुना तिगुना हो गए, पेट्रोल डीजल अरे हाथ से बाहर हो गए। आप बाजार में चले जाओ तो टमाटर क्या भाव का, आप बाजार में चले जाओ प्याज क्या भाव का, कितना 120 हो गया। अरे मुझे लगा था कि कुछ शर्म आएगी, कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, 80-90 पे रोक के रखेंगे, अगर 120 पे चला गया है तो कौन इसको वोट देगा? और तो और हमारे चले के ऊपर जो नमक छिड़कना का काम कर रहे हैं वो भी महंगा हो गया है, वो भी महंगा हो गया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है भाइयों। ये तो हमारी खाल और हड्डी और खून, और मैं आप अभी 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 पता किया कि बेचारी इतनी गरीबी कैसे बढ़ गई है। राजस्थान के नहीं वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर आज 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। ने कह दिया कि इनको और 10 साल रख लोगे तो पूरा ही भट्टा बैठ के रख देगा। ये तो कांग्रेस वाले इसी तरीके से हैं। और अभी अभी एक मंत्री कहता है कि हम क्या करें, ये तो महंगाई ये गरीबों ने की है। सुना
आप तो सूखी रोटी खाने वाले लोग, अब आप सब्जी खाने लगे हो तो महंगाई तो बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री कहता है कि ये सूखी रोटी और सब्जी छोड़ो, इसमें ये फल भी खाने लगे तो महंगाई तो होनी होनी। और चौथा बोला जो रिजर्व बैंक का चेयरमैन था, उसने कहा नहीं साहब, अंडे भी खाने लगे। तो अगर आपने रोटी अंडा फल और सब्जी खा लिया तो आपकी वजह से आज राजस्थान के अंदर और इस देश के अंदर महंगाई फैल गई। सीधी सीधी बात है, आप तो वापस जाओ रोटी खाने, दो रोटी खाओगे तो हमारी सबकी महंगाई खत्म हो जाएगी। अब बताओ, ऐसी तो सरकार है, ऐसी सरकार को हम देख के चलेंगे तो हमारा सबका ही सब यही कट्टे में पड़े रहेंगे। अब मैं कह रही हूँ आप लोग, किसी को टाइम नहीं, अब हम लोगों को यह तय कर लेना चाहिए एक नया राजस्थान बनाना, एक ऐसा नया राजस्थान जिसमें हमारी महिलाएं सुरक्षित हो, एक ऐसा नया राजस्थान जिसमें हमारे बच्चे आगे चल के अपने पैर पे खड़े हो जाए, एक ऐसा नया राजस्थान जिसमें हमारे किसान मजबूत हो जाए। बोलो भाइयों, तैयार हो ऐसे राजस्थान के लिए? बोलो भाइयों, लड़ने को तैयार हो? क्योंकि एक अकेला व्यक्ति ये नहीं कर सकता, ये तो हम और आप मिलकर काम करेंगे तभी काम होगा। अभी आपके सामने आपके एमएलए साहब के रूप में राव साहब खड़े, पहले भी आपके लिए दौड़े भागे और काम कराने में कभी कमी नहीं, कभी पीछे नहीं रहे, आज भी राव साहब आपके सामने खड़े हुए हैं। और मैं आपको विश्वास करना चाहती हूँ, मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं इस चुनाव के प्रचार में माला नहीं पहनने वाली हूँ, परंतु आपकी आज्ञा से मेला माला पहनाऊंगी। बोलो भाइयों, आप लोग कोई कभी छोड़ने वाले नहीं हो और आज नहीं देने वाले हो।